दिल्ली गेट, दरियागंज और फिर वहां से स्मृति स्थल की तरफ अटल जी की अंतिम यात्रा बढ़ती जा रही थी। इस दौरान अटल जी के लिए लगातार नारे लगते रहे। ये वो इलाका है जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, लेकिन अटल जी की अंतिम यात्रा की तस्वीरों को देखकर ना भय का एहसास हो रहा था, ना किसी तरह की आशंका थी। एसपीजी की पैनी नजरें चारों ओर का जायजा ले रही थी, लेकिन देश के सबसे सर्वमान्य नेता की अंतिम यात्रा का माहौल ऐसा था जैसे किसी शक सुबह आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अंतिम यात्रा ने लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय कर लिया था, लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद पीएम मोदी के चेहरे पर वही ऊर्जा दिख रही थी जो बीजेपी दफ्तर से निकलते समय दिख रही थी। बल्कि उनका संकल्प इतना मजबूत दिख रहा था कि मानो उनकी पीठ पर एक बार फिर वाजपेयी का धौल जमाने वाला हाथ था जो उन्हें देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का हौसला दे रहा हो। स्मृति वन का फासला अब और कम हो गया था, जनसैलाब बढ़ता जा रहा था, सड़कें चौड़ी होने लगी थी, लेकिन इस जनसैलाब के सामने छोटी पड़ती दिख रही थी। तय समय के मुताबिक 4 बजे से कुछ पहले ही अटल जी की अंतिम यात्रा राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक पहुंच चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके साथ चल रहे बीजेपी के कई नेता और मुख्यमंत्री स्मृति स्थल की यात्रा को पैदल पूरा कर चुके थे। नेहरू जी उनकी भाषण क्षमता पर फिदा थे। नेहरू जी को बोल देना कि आप में चैम्बरलेन भी है और चर्चिल में भी है, आप दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, या अशोका होटल के निर्माण का बिल था और उस पर नेहरू जी चर्चा कर रहे थे और एक बिल्कुल नवागत सांसद ने उठकर कह दिया कि ये बिल्कुल गलत बात है, जिस देश में हॉस्पिटल नहीं है उसमें एक पंच सितारा होटल सरकार क्यों बनाएगी। नेहरू जी झल्ला गए। नेहरू जी ने कहा बताइए नए नए आए हैं, अरे हम होटल भी चलाएंगे और उसके मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे। लखनऊ की रैली में अटल जी ने बोला चुनाव के दौरान नेहरू जी का जिक्र करते हुए कि मैंने ये बात कही थी और देखिए वो होटल आज भी घाटे में चल रहा है और हॉस्पिटल तो कितने बने आपको पता ही है। तो इस समय जब वट्स विश्वविद्यालय पर अनर्गल आरोप फैलाए जाते हैं एक दूसरे के नेताओं के प्रति, ऐसे समय में इतना सौम्य, इतना शालीन, इतना तार्किक और इतना विनोद उक्ति से भरा हुआ राजनीतिक कटाक्ष करने वाला व्यक्ति जो अपने विरोधियों को अपनी भाषा से घेरता भी था और लेकिन उन्हें किसी बुरी नज़र से घूरता नहीं था, वो मिलना दुर्लभ है। पिछले 70 वर्षों में तो ऐसा राजनेता भारत ने नहीं देखा। अटल जी जब गए तो मुझे सचमुच में ऐसा लगा जैसे कि बचपन से जिसे एक मिसाल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर देखती आई थी, वो चले गए थे जिंदगी से। शायद बोलूं तो बहुत नकली लगेगा, लेकिन अच्छा था मैं कैमरे पर नहीं थी उस समय, क्योंकि आंखों से आंसू छलक गए थे। अटल जी की किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं उनकी बहुत सारी मैं रखती हूँ यहाँ पर, और उनकी जो कविताओं का संग्रह रहता है वो मेरे लिए संविधान का काम करता है। उनकी एक एक पंक्ति जो होती है वो जीवन में लड़ने का तरीका बताती है, राह दिखाती है। हिंदुस्तान की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता दूसरा कोई नहीं हो सकता। अलग अलग लोग वजह बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने किसी नेता को ऐसा भाषण देते हुए आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो जब मैं जर्नलिज्म में आया तो उस वक्त मेरी एक तमन्ना थी कि मैं वाजपेयी जी से मिलूं, लेकिन मैं क्राइम रिपोर्टर और वाजपेयी जी पॉलिटिक्स में, तो हमारा मिलन तो होना नहीं था। बट एक मौका मिला खुशनसीबी से मुझे 2004 के चुनाव में, जब वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे और मैं उसको कवर करने के लिए गया। वो 15 मिनट मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा जब मैंने उनसे बातचीत की थी और उन्होंने बाकायदा मेरे कंधे पर हाथ रख के पूछा था आप क्या, हाँ कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। मैंने बताया आज तक से हूँ। फिर मैंने बताया कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो उनकी वो लाइन हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा, अरे तो मैंने कौन सा क्राइम किया जो आप मेरे पास आए। तो मैंने कहा, नहीं सर, हमारे यहाँ कई बार होता है अलग अलग रिपोर्टर को भेज दिया जाता, तो मुझे इलेक्शन कवर करने के लिए भेजा गया। और फिर उन्होंने खैरियत पूछी, यहाँ कहाँ ठहरे हो, खाना खाया। तो ये जो उनका वो उस 15 मिनट में जो सारी चीज़ें थी, और वेंकैया नायडू जी भी थे उनके साथ उस वक्त वहीं बराबर में, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और ये लाइन तो खैर कभी नहीं भूलूंगा कि भैया मैंने कौन सा क्राइम किया जो आप यहाँ पर आए। और उस दिन के बाद से मैं उनका और बड़ा फ़ैन हो गया था। इतने बड़े आदमी का इस तरीके से मिलना, बात करना और मतलब प्यार देना, कंधे पे हाथ रख के बात करना, ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तो मैं हमेशा चाहता हूँ ऊपर वाला उन्हें जन्नत दे, और जो वाजपेयी जी जैसे नेता की इस देश को वाकई बहुत ज़रूरत है। अटल अमर है, वाणी अमर है, सोच अमर है, शब्द अमर है, भाषण अमर है, नेतृत्व अमर है, राजनीति अमर है, यही है
अटल बिहारी वाजपेयी जी के मायने शायद मैं नहीं, इस पीढ़ी के सभी लोग जिन्होंने उनके भाषणों को सुना, जिन्होंने उनकी कविताओं को सुना, जिन्होंने उनके अंदाज को देखा, उन सबके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा उनके दिल में कैद रहेंगे। क्योंकि एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में, जो आप एक नेता को देखते हैं, कई खामियां आप उसमें खोजते हैं, लेकिन उन सब के बीच स्नेह का एक ऐसा तरीका था उनका लोगों से जुड़ने के साथ का, जो हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में जो सबसे बड़ी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति जो उन्होंने स्थापित की, जो उन्होंने इस देश को बताया कि कांग्रेस से हटकर एक स्थिर स्थायी सरकार बने, बीजेपी जो सपना नागपुर में देखा गया, दो सीटों से होता हुआ सफर आगे बढ़ा, एक दिन सत्ता के शीर्ष पर पहले अध्यक्ष पार्टी के, पहले प्रधानमंत्री पार्टी के अगर कोई बना तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके लिए सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि विपक्षी नेता भी ऐसे शब्द बोलते थे कि महान नेता है, विराट नेता है। उनकी क्या बात थी, उनका क्या तरीका था, याद कीजिए अटल जी को। कश्मीर से लेकर हर नीति पर, और परमाणु परीक्षण मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा सख्त फैसला, जिसके साथ हमने पूरे विश्व को आंखें तरेर कर ये बता दिया कि हिंदुस्तान को अगर परमाणु परीक्षण करना है तो वो करेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी तो हम भी एक देश के रूप में ताकतवर हैं, इसको हम स्थापित करेंगे। ये है अटल बिहारी वाजपेयी होने का मायने। और इसी के साथ ये भी कि स्नेह से, आपसी सहमति से जो फैसले लिए जाते हैं वही सबसे ताकतवर होते हैं। मेरी जनरेशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी वो लीडर थे जो 1984 में इलेक्शन हारे, जिसमें बीजेपी को सिर्फ दो सीटें मिली थी, लेकिन हार के बावजूद वो टूटे नहीं। लोग कहते हैं कवि थे, वाकई कवि थे, उन्होंने कविताएं भी लिखी, लेकिन मेरे से पूछे तो वो एक खेल भावना के स्रोत भी थे, क्योंकि जीत और हार में फ़र्क क्या होता है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जीतने के बावजूद वो कंसेंसस बनाते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ, और कहते हैं कि सोनिया गांधी चूँकि उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थी, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को फ़ोन किया पूछने के लिए कि आप सेफ हैं, और वाजपेयी साहब ये कहते हैं कि आपका मुझे फ़ोन करके ये पूछना मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, ये बताता है कि डेमोक्रेसी भारत में ज़िंदा है। कितनी बार ये हुआ कि वो खुद अपोजिशन में थे और रूलिंग पार्टी उनके पास आकर कहती थी कि वाजपेयी साहब चलिए आप ये कीजिए, सबको एक साथ लेकर चलिए, और जब वो प्रधानमंत्री थे तो यही चीज़ उन्होंने अपोजिशन के साथ भी की। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो खेल भावना, खेल भावना का मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन खेल भावना वो जहाँ पर जीत और हार में आप इमोशंस चेंज ना हो, वो जो उन्होंने किया वो प्रेरणा स्रोत थे। लीडर तो बड़े थे ही, लेकिन हम सबके लिए मुझे लगता है कि वो छोड़ कर गए हैं वो ये है कि सबको साथ लेकर चलो और सबको एक नज़र से देखो। अटल बिहारी वाजपेयी, उनके क्या मायने हैं मेरे जीवन में या उनके होने का क्या मतलब है, ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब से उनके बारे में सोचना शुरू करूं तो उनके व्यक्तित्व के कई हिस्से हैं, राजनेता, प्रधानमंत्री, कवि, साहित्यकार, बहुत अच्छा बोलने वाले एक हस्ती, बहुत हंसमुख व्यवहार वाले व्यक्ति, तो ऐसे बहुत सारे उनके व्यक्तित्व के हिस्से हैं, और हर हिस्से को जब आप पकड़कर सोचना शुरू करते हैं तो वो बाकियों पर भारी पड़ जाता है, इसलिए किसी एक परिभाषा में बांधना उनको बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि आपकी बचपन की जो मेमोरीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा निश्चल होती हैं। स्कूल में मैं थी तो मुझे ये याद है कि जब सबसे पहले किसी प्रधानमंत्री का नाम और उनकी पूरी कैबिनेट का नाम जिनका मैंने याद किया वो अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी कैबिनेट थी, उनको देखना, उनके दौरों को डीडी न्यूज़ के ज़रिए संभालना, ये सबसे पहली मेमोरीज है जो मुझे इस वक्त याद आती हैं। और तब से लेकर अब तक हर दौर में उनका मेंशन आना, उनकी चर्चा होना, आज भी संसद में जब डिबेट होती है तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिक्र में आ जाता है, तो ये अपने आप में ये जाहिर करता है कि वो क्या रहे हैं और जो उनको लेकर मेरी जनरेशन के लोगों का जुड़ाव है वो यहीं से है। मुझे अगर आज भी कभी उनको याद करना होगा तो मैं राजनेता से ज़्यादा उनको उनकी कविताओं और उनसे मिलने वाली प्रेरणाओं के लिए याद करूँगी। अटल जी अब हमारे बीच नहीं हैं या वो नहीं रहे, ये कहना ही अपने आप में बड़ा अजीब लग रहा है, विश्वास कर पाना भी अभी भी मुश्किल है। हालांकि तस्वीरें अभी भी आ रही है और मुखाग्नि उनको दे दी गई है, और आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो चल रही है यहाँ पर। बेहद दुखद क्षण, न सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पर बल्कि पूरे देश के लिए ये जो लम्हा है, ये जो क्षण है, बहुत दुख का है, क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे इंसान को खोया है जिससे सिर्फ और सिर्फ किसी को प्रेरणा ही मिल सकती थी और कुछ भी नहीं। छोटे से छोटे बच्चे हों या बड़े से बड़े
खास करके 80s में जो लोग हुए हैं उन्होंने अटल जी को एक आइडल के तौर पर देखा। उनके जैसा वक्ता बीजेपी में अक्सर हम देखें कि अगर हम सिर्फ इस पार्टी की बात करें तो कहते हैं कि बीजेपी में वक्ता बड़े अच्छे अच्छे हुए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ की जाती है बोलने में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है कि क्या पक्ष हो क्या विपक्ष हो दूर दूर तक उनका कोई सानी नहीं। जहाँ तक वक्ता होने की बात है उनसे अच्छा वक्ता आज तक कम से कम हिंदुस्तान में हमने किसी को देखा नहीं। हालांकि कई अच्छे बड़े नेता हुए, बोलने वाले नेता हुए, जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी अच्छा बोला करते थे, इंदिरा गांधी भी काफ़ी अच्छा बोलती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की बात ही अलग थी। उनमें एक करिश्माई जो उनका व्यक्तित्व था, सभी को साथ लेके चलने वाली बात, वो शायद ही आपको किसी और दूसरे राजनेता में देखने या सुनने को मिलेगी। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें देखती हूँ तो मेरे लिए वो ऐसे मायने रखते हैं कि एक अभिभावक के तौर पर जैसे आपको कभी लगे कि आपने अपना सब कुछ खो दिया हो, एक ऐसा इंसान जिसकी तरफ जब भी आपने देखा हो आपको कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा मिली हो। कवि हृदय रहे, क्योंकि बहुत कम उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, तो जो जिस शैली में वो कविता लिखते थे उसी अंदाज में उनका भाषण भी रहता था, कटाक्ष भी करते थे लेकिन बड़े प्यार से करते थे। इसीलिए संसद में भी जब वो बोलते थे भले ही विपक्षियों पर वार भी करते थे लेकिन कभी प्रहार इतना तीखा नहीं रहता था उनका कि विपक्षी उससे नाराज हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक राजनेता होते हुए, एक पार्टी में होते हुए, उसके प्रधानमंत्री होते हुए या उसका नेतृत्व करते हुए विपक्षी भी उनकी तारीफ करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी का लोग किया करते थे। मैं ही क्या, मुझे लगता है पूरा देश, पूरा विश्व, जितने भी लोग उन्हें जानते हैं हमेशा उनको याद करेंगे और जब भी उनकी तरफ देखेंगे उनसे प्रेरणा ही लेंगे। अटल जी का मेरे लिए क्या मतलब है, मुझे लगता है जो मेरे लिए मतलब है वो पूरे देश के लिए, और जो पूरे देश के लिए मतलब है वो मेरे लिए भी मतलब है। इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री और इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी होने के बाद उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया। वाजपेयी जी की सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अलायंस पॉलिटिक्स क्या होती है इस देश को उन्होंने सिखाया। उससे पहले अलायंस पॉलिटिक्स पूरा टर्म कंप्लीट कर पाए ये नहीं देखा था। इंटेग्रिटी की बात अगर की जाए तो एक वोट से कौन सा प्रधानमंत्री अपनी सरकार बचाने में नाकामयाब रहा, सोचें आप। दूसरी बात, जब बात आई तो जो भी हुआ, बाबरी मस्जिद का कांड जो हुआ, राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसमें आप देखिए किस तरीके से अटल जी उस दरमियान भी एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर कहीं ना कहीं दिखाई दिए। तीसरी चीज, अटल जी ने जो अलायंस पॉलिटिक्स मैनेज की थी वो बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि एक तरफ मायावती थी, एक तरफ जयललिता थी, एक तरफ ममता बनर्जी थी, इन सबको साथ लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये सिखाया है कि आखिर इस देश में अलायंस पॉलिटिक्स कैसे होती है। उनके कार्यकाल में इस देश ने सबसे टफ टाइम भी देखा कुछ चीज़ों के लिहाज से, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो IC-814 का हाईजैक हो, चाहे वो करगिल हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ से निपटे, हर चीज़ में एक एक टफ स्टैंड लिया, बावजूद उसके कि इतना उन्होंने दायरा रखा कि पीछे लौट कर भी आ जाए, ये उनकी तारीफ थी। तो आज देश ने एक ऐसे नायक को श्रद्धांजलि दी है जो कई मानों में अटल थे, और सिर्फ अटल ही नहीं, हर बार जब उनका जिक्र होता है तो सहरसा अटल जी ही निकलता है हर एक की ज़ुबान से। अगर अटल लिख भी दिया जाए तो जी अपने आप ही जुड़ जाता है। और ये हमने अक्रॉस द पार्टी लाइंस देखा किस तरह से आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि ज़्यादातर राज्य बीजेपी शासित हैं इसलिए भी मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, अटल जी एक ऐसे नेता थे जो अक्रॉस द पार्टी लाइंस
बहुत ज़्यादा सम्मानित थे और इसीलिए हर गणमान्य मुख्यमंत्री आज यहाँ उनके श्रद्धांजलि सुमन उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए मौजूद था। लेकिन मेरे लिए अटल जी के मायने उनकी सिर्फ कविता, उनके कवि होने से, लेखक होने से, या फिर कैसे वो एक पत्रकार से राजनेता बन गए, इन सब चीज़ों से बहुत परे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ से उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। और लखनऊ जब भी वो आते थे तो हमें कई बार अपने क्योंकि मेरे पिता जो है वो सिविल सर्विसेज में रहे हैं और कई ऐसे पदों पर भी रहे जहाँ पर उनका अटल जी से काफ़ी बार आमना सामना हुआ, तो मेरे पिताजी अक्सर मुझे ये बताते थे कि बहुत ज़्यादा एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के अलावा एक ऐसे दिलचस्प इंसान जिनका खाने की ओर बहुत रुझान था। और खाने के मामले में तो आप जानते हैं लखनऊ में चाहे वो चाट हो, कुल्फ़ी हो, कोई भी मांसाहारी व्यंजन हो, वो अटल जी के भोजन में ज़रूर शुमार होता। तो ये मेरी वो यादें हैं बचपन की जो अटल जी के साथ जुड़ी हुई हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कभी भी उन्होंने चाहे वो राजनीति हो चाहे उनके भाषण हो उसमें भी खूब जो है ऐसे रंग जोड़े, ऐसे भाव जोड़े जिसे आज भी हम याद करते हैं। और अपने खाने में भी कभी उन्होंने वो भाव की कमी नहीं महसूस होने दी, रोज़ का खाना हो चाहे कोई ख़ास जगह पर वो गए हों, वहाँ पर वो ज़रूर सुनिश्चित करते थे कोई ऐसी याद, कोई ऐसा लम्हा छोड़ जाए जो लोग उनको उस लम्हे से याद करके और उन्हें उससे जोड़ कर देख सकें। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती। अटल जी को कवि हृदय अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी से विरासत में मिला, जो स्कूल शिक्षक होने के साथ साथ एक कवि भी थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तीन भाई और तीन बहनों में वो परिवार के सबसे छोटे और प्रिय बेटे थे। ग्वालियर की ये वही गलियां हैं जहां वाजपेयी जी कंचे खेला करते थे। यही वो घर है जहाँ वाजपेयी जी का जन्म हुआ और बचपन बीता था। इस वक्त हम जिस गली में मौजूद हैं, ये वो गली है जो कि हमेशा से ही अपने नाम से ज्यादा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानी जाती है। कमल सिंह का बाग ये इलाका है वैसे तो, लेकिन मेरे ठीक पीछे ये वो घर है जहां पे बचपन बीता है अटल बिहारी वाजपेयी का। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो ग्वालियर में हुई वो इसी घर में रहा करते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो जो बच्चे हैं ग्वालियर के वो भी अच्छी कंप्यूटर की शिक्षा हासिल कर सके बिना ज्यादा खर्च किए हुए, तो इसके लिए उन्होंने इस पूरे घर को जहां पे उनका पूरा बचपन बीता था, जहां उनकी बचपन की यादें थी, उसे दान कर दिया। इस मोहल्ले के रहने वाले लोग आज तक उस बात को याद करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये अपने मोहल्ले का कभी नाम बताते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि ये अटल जी के पड़ोसी हैं। आप बताएं, आप मुलाकात हुई आपकी अटल जी से कभी? जब भी आते थे, हम छोटे हैं, छोटे छोटे थे तो दौड़ लगा के आ जाते थे, भीड़ का जो काफिला देखते थे तो के कोई आए हमारे लिए, और उनसे जब भी आते थे तो वो हाथ वगैरह, हम लोग बहुत बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार रखते थे और प्यार करते थे वो। उनने ग्वालियर के लिए बहुत कुछ किया और ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही कोई हो जिनने देश का भविष्य अच्छा किया है। अटल जी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। बाद में उन्होंने ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। ग्रेजुएशन के बाद अटल जी राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कानपुर आना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते उनके पिता उन्हें कानपुर नहीं भेज सके। इसके बाद ग्वालियर के राजा ने उन्हें 72 रुपए की छात्रवृत्ति देकर आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर भेज दिया, और इस तरह अटल जी ने कानपुर के एंग्लो वैदिक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शायद यही वजह है कि वो अपने भाषणों से पक्ष ही नहीं विपक्ष को भी ठहाके लगाने पर मजबूर कर देते थे। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? राजनीति शास्त्र की पढ़ाई के बाद अटल जी ने वकालत की पढ़ाई भी डीएवी कॉलेज से की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अटल जी और उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने एक साथ ही कानून की पढ़ाई शुरू की थी।
एक ही कॉलेज, एक ही क्लास में होने के साथ साथ दोनों पिता बेटे हॉस्टल में भी एक ही कमरे में रहा करते थे, जिसके बाद पिता और बेटे के रिश्ते के साथ ही दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता भी हो गया। पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने के बाद आए थे तब उन्होंने सारे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया, बुलवाया, बाई नेम बुलवाया कि सबको यहाँ इकट्ठा करें आप, और हम लोगों ने जो जिस सब लोगों ने मिलके जो उनको स्वागत किए, वो स्वागत से कहने लगे ये मेरा मोहल्ला है, मेरा स्वागत की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने तो मुझे वहाँ इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है। आदमी को तो ये समझ लो जब मुझसे मिले, मैं अपनी पत्नी के साथ हवाई जहाज से जा रहे थे, बच्ची थी, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे बाबूजी के बारे में पूछा स्वरूप कैसा है, तो उनकी सादगी के लिए तो कहा ही नहीं जा सकता। मेमोरी याददाश्त जो थी, मोहल्ले के एक एक बुजुर्ग का नाम उन्हें मालूम, सबके बच्चों के नाम मालूम, सबके बच्चों के बारे में भी पूछते थे कि बच्चे आजकल कहाँ हैं, किस सर्विस में चले गए, कहाँ चले गए, कैसे हो तुम लोग। अटल जी खाने पीने के भी शौकीन थे, राजनीति की व्यस्तता में भी मिठाई के प्रति उनका मोह हमेशा बना रहा। अटल जी की सबसे पसंदीदा मिठाई लड्डू थे, और वो भी बहादुरा के लड्डू। बहादुरा मिष्ठान भंडार के मालिक बताते हैं कि अटल जी बचपन में अक्सर उनके यहाँ लड्डू खाने आते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब भी अटल जी ग्वालियर आते थे तो बहादुरा हलवाई के बूंदी के लड्डू खाना नहीं भूलते थे। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी कोई परिचित उनसे मिलने के लिए आता तो लड्डू लेकर जरूर जाता। तब से बहादुरा हलवाई के इन लड्डुओं को पासपोर्ट टू पीएम तक कहा जाने लगा था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की एक और शख्सियत थी, और वो थी खाने को लेकर के उनका जबरदस्त शौक। इसमें भी सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई चीज उन्हें थी तो वो थी ग्वालियर में बहादुरा के लड्डुओं की ये दुकान, जहां पर वो आते थे, और जो मिठाई यहां बन रही है इसे हर वक्त खाने के लिए वो तैयार रहते थे। बचपन में ही पिताजी के टाइम उनको देखा था, जब वो आते थे यहाँ से लड्डू खाते थे, ग्रुप में आते थे, बड़ा ग्रुप था उनका, खाने के बहुत शौकीन थे, उनका आना नहीं हो पाता था सिक्योरिटी की वजह से, तो वो वहाँ पे अपने भांजे जो उनके यहाँ पे रहने वाले रिलेटिव थे उनसे मंगाते रहते थे। 70 के दशक में अटल जी जब भी कभी देहरादून की वादियों में जाया करते थे, वहाँ उनके सबसे करीबी दोस्त नरेंद्र स्वरूप मित्तल का पुराना वेस्पा स्कूटर ही उनकी सवारी हुआ करता था। इसी स्कूटर पर बैठकर अटल जी मसूरी घूमने के लिए जाया करते थे। आज भी मित्तल परिवार ने अटल जी के शान की सवारी को संजो कर रखा है। सर, इसी शान की सवारी पर देहरादून की वादियों में खूबसूरती से घूमा करते थे। मान हमारा परिवार सौभाग्यशाली है कि हमको अटल जी का प्यार और स्नेह मिला। अटल जी को देहरादून आने का और मसूरी आने का बहुत शौक रहता था। देहरादून से वो गढ़वाल की और हिमाचल की यात्रा करते थे, और मसूरी वो आराम करने के लिए आते थे। आपके पिताजी ने बाकायदा ये कहा कि इस स्कूटर को कहीं ख़राब ना होने दिया जाए, इसको संभाल के रखा जाए। पिताजी का मानना था कि भाई इसमें अटल जी रहे हैं, अटल जी बड़ी शख्सियत तो रही हैं, उन्होंने कहा भाई संभाल के रखना, तो मैं आज ये स्कूटर को संभाल के रखा हुआ है। एक एक में स्टार्ट होता है और चलाता है, कम ही है, हम खड़ा ही रहता है, लेकिन अटल जी इस पे बैठे हैं, इसकी याद हमको रहती है। अटल जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। काल के कपाल पर उनकी यादें अटल थीं, अटल हैं और अटल रहेंगी। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक पर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। अपने गुरु, अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल शामिल हुए, बल्कि 8 किलोमीटर की पूरी यात्रा पैदल ही तय की। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। जन्म दिवस पर हम त्योहार मनाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, ये अटल बिहारी वाजपेयी का विश्वास था, ये उनकी लेखनी थी, और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ छत से वो तस्वीर जो बता रही है कि किस तरह से ना सिर्फ बीजेपी हेडक्वार्टर में लोग बल्कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लोगों का हुजूम है, हजारों लोग
जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में भीतर और बाहर इंतजार में है आखिरी झलक के अपने लोकप्रिय नेता की। और आप पीछे दूर देखें तो आपको योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता खड़े नजर आएंगे। यहाँ पे अगर हम यूं कहें कि आज हर एक ना हर आंख नम है, हर दिल रो रहा है तो गलत नहीं होगा। दोपहर करीब 1:15 बजे अटल जी की अंतिम यात्रा बीजेपी दफ्तर से निकली। इस दौरान उनके दर्शन के लिए हजारों की तादाद में जुटे लोग बेकाबू हो गए। कोई पेड़ पर चढ़ा, कोई किसी गेट पर, ताकि वो अपने प्यारे नेता की एक झलक देख सके। यात्रा शुरू हुई, चिलचिलाती धूप, पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी और उसके बीच चलते पीएम मोदी, अमित शाह और हजारों हजार का जनसैलाब इस अंतिम यात्रा में शरीक हुआ। वहीं इसी तरह तपकर सोना बना देश का रत्न गहरी नींद सो रहा था। अटल जी की अंतिम यात्रा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग और शांतिवन से होती हुई राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक पहुंची। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, लोगों का जोश बढ़ता गया, फूलों की बरसात बढ़ती चली गई। जहां तक नजर जा रही थी, जनसैलाब नजर आ रहा था। ऐसा जनसैलाब जो अपने आदर्श नेता, अपने प्यारे नेता की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने आया था। जगह जगह पर अटल जी की अंतिम यात्रा के लिए द्वार बनाए गए थे। इन द्वारों के बीच से निकली उनकी सवारी और उसके आसपास उमड़े लोगों की भावना उस नारे की याद दिला रही थी कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो। अटल जी की अंतिम यात्रा जब दरियागंज पहुंची तो एक अद्भुत तस्वीर नजर आई। इस तस्वीर को देखकर आप भी कहेंगे कि अटल जी किसी एक धर्म, संप्रदाय या तबके के नेता नहीं, बल्कि सबके नेता थे। सबको साथ लेकर चलने का संदेश अटल जी ने ही सही मायने में दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर आईटीओ से होते हुए दिल्ली गेट इस वक्त पहुंच चुका है और यहां से स्मृति स्थल जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हुजूम यहां से गुजर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दोनों लोग इस काफिले में जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आप सीधे हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर है और सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री इस पूरे काफिले में मौजूद हैं। दिल्ली गेट के पास लोगों का हुजूम ऐसा था कि सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। सड़क के इस पार से उस पार तक और जहां भी जगह मिली, लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दीदार के लिए, उनकी अंतिम यात्रा को तस्वीरों में संजोने के लिए खड़े थे। दिल्ली गेट, दरियागंज और फिर वहां से स्मृति स्थल की तरफ अटल जी की अंतिम यात्रा बढ़ती जा रही थी। इस दौरान अटल जी के लिए लगातार नारे लगते रहे। ये वो इलाका है जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, लेकिन अटल जी की अंतिम यात्रा की तस्वीरों को देखकर ना भय का एहसास हो रहा था, ना किसी तरह की आशंका थी। एसपीजी की पैनी नजरें चारों ओर का जायजा ले रही थी, लेकिन देश के सबसे सर्वमान्य नेता की अंतिम यात्रा का माहौल ऐसा था जैसे किसी शक सुबह आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
अंतिम यात्रा ने लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय कर लिया था, लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद पीएम मोदी के चेहरे पर वही ऊर्जा दिख रही थी जो बीजेपी दफ्तर से निकलते समय दिख रही थी। बल्कि उनका संकल्प इतना मजबूत दिख रहा था कि मानो उनकी पीठ पर एक बार फिर वाजपेयी का धौल जमाने वाला हाथ था जो उन्हें देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का हौसला दे रहा हो। स्मृति वन का फासला अब और कम हो गया था, जनसैलाब बढ़ता जा रहा था, सड़कें चौड़ी होने लगी थी, लेकिन इस जनसैलाब के सामने छोटी पड़ती दिख रही थी। तय समय के मुताबिक 4 बजे से कुछ पहले ही अटल जी की अंतिम यात्रा राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक पहुंच चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके साथ चल रहे बीजेपी के कई नेता और मुख्यमंत्री स्मृति स्थल की यात्रा को पैदल पूरा कर चुके थे।